श्री विष्णु पुराण 15वां अध्याय श्रभु का निदाघक अद्वैत ज्ञानोपदेश। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देखकर वे विप्रवर यह अद्वैत संबंधी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, हे राजसाधु, पूर्व काल में महर्षि शभु ने महात्मा निदाघ को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुनो। हे भूपति, परमेष्ठी श्री ब्रह्मा जी का शभु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निदाघ उन शभु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। हे नरेश्वर, शभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निदाघ को अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उस समय देविका नदी के तीर पर पुलस्त्य जी का बसाया हुआ वीर नगर नामक एक अति रमणीक और समृद्धि संपन्न नगर था। हे पार्थिवोत्तम, रमया उपवनों से सुशोभित उस पुर में पूर्व काल में शभु जी का शिष्य योग बेटा निदाघ रहता था। महर्षि शभु ने अपने शिष्य निदाघ को देखने के लिए 1000 दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निदाघ बनी वैश्वदेव के अनंतर अपने द्वार पर अतिथियों की प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टि गोचर हुए और वह उन्हें द्वार पर पहुंच और अभय दान पूर्वक अपने घर में ले गया। उन दुधश्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बैठा कर आदर पूर्वक कहा, भोजन कीजिए। शभु बोले, हे विप्रवर, आपके यहाँ क्या क्या अन्न भोजन करना होगा यह बताइए, क्योंकि कुत्सित अन्न में मेरी रुचि नहीं है। निदाघ ने कहा, हे दुधश्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लपसी, कंदमूल फल आदि तथा पुए बने हैं। इनमें आपको जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिए। शभु बोले, हे गिज, ये तो सभी कुत्सित अन्न है, मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निदाघ अपनी स्त्री से कहता है, हे ग्रहदेवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, उनके ऐसा कहने पर उनकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। हे राजन, शभु के यथेच भोजन कर चुकने पर निदाघ ने अति विनीत होकर उन महामुनि से कहा। निदाघ बोले, हे द्विज, कहिए, भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ ना? आप पूर्णतया तृप्त और संतुष्ट तो हो गए ना? हे विप्रवर, कहिए, आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जाने की तैयारी में हैं और कहाँ से पधारे हैं? शभु बोले, हे ब्राह्मण, जिनको शुद्धा लगती है उन्हीं की तृप्ति भी हुआ करती है, मुझको तो कभी शुद्धा ही नहीं लगी। फिर तृप्ति के विषय में तुम क्या पूछते हो? जठराग्नि के द्वारा पार्थिव अर्थात ठोस धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को शुद्धा की प्रतीति होती है और जल के क्षीण होने से तृषा का अनुभव होता है। हे द्विज, ये शुद्धा और तृषा तो देह के ही धर्म है, मेरे नहीं। अतः कभी शुद्धित ना होने के कारण मैं तो सर्वदा तृप्त ही हूँ। स्वस्थता और तुष्टि भी मन में ही होती है, अतः ये मन ही के धर्म है, पुरुष आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। इसीलिए हे द्विज, ये जिनके धर्म है उन्हीं से इनके विषय में पूछो, और तुमने जो पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं तथा कहाँ से आए हैं, सो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा स्वर्गगत है क्योंकि यह आकाश के समान व्यापक है, अतः कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो और कहाँ जाओगे यह कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? मैं तो ना कहीं जाता हूँ, ना आता हूँ और ना किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देह आदि के कारण जैसे पृथक पृथक दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं है।
वस्तुतः तू तू नहीं है, अन्य अन्य नहीं है और मैं नहीं हूँ। वास्तव में मधुर मधुर है भी नहीं। देखो मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। हे द्विज श्रेष्ठ, भोजन करने वाले के लिए स्वादु और अस्वादु भी क्या है? क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ भी जब समयांतर से अस्वादु हो जाता है तो वही उद्वेग जनक होने लगता है। इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और अरुचिकर पदार्थों से मनुष्य को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि मध्य और अंत तीनों काल में रुचिकर हो? जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ होता है उसी प्रकार यह पार्थिव देह पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट हो जाता है। जौ गेहूं मूंग घृत तेल दुग्ध दही गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं। इनमें से किसी को स्वादु कहें और किसको अस्वादु? अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु अस्वादु का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसा परमार्थमय वचन सुनकर महाभाग निदाघ ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न होइए, कृपया बतलाइए मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन हैं? हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। श्रभु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु श्रभु हूँ। तुझको सद सद विवेकी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जाता हूँ, जो कुछ परमार्थ है वह मैंने तुमसे कह ही दिया है। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तो इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा ही का स्वरूप जान, इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण बोले, तदंतर निदाघ ने बहुत अच्छा कहकर उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे परम भक्ति पूर्वक पूजित हो श्रभु स्वेच्छा अनुसार चले गए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ।